सो गाइस, जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज मैं और आप और हम जाने वाले सोल BTS का 10 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब कि आपको इतनी चीजी खांसी मिलेगी जो आपको घर में बैठे बैठे कोरिया घुमा रही है और आप लोगों की कमेंट सेक्शन में स्पैम करते रहते हो, She never fails to make us laugh. क्यों गाइस, क्यों? I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। अभी फालतू की बकवास थोड़ी कम करते हो और मैं रेडी शेडी जाती हूँ। और आज का आउटफिट होने वाला है ये जंगकुक से इंस्पायर्ड। अभी यहाँ के सुबह के 7:30 बज चुके हैं और काफी धूप भी आ चुकी है और मैंने टैक्सी बुलाई है जो कि मुझे स्टेशन लेके जाएगी और स्टेशन से हम सीधा ट्रेन लेके सोल जाएंगे। गाइस प्लीज कमेंट में बताना कि आपको आज का मेरा हसन कैसा लगा। ये नेकलेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है। गाइस ये रही मेरी टैक्सी। जो ड्राइवर अंकल जी है ना, वो ये बोल रहे थे कि जो मेरी एनर्जी ना वो काफी हाई, काफी ब्राइट है और यूजुअली कोरियन लोग ऐसे हैप्पी नहीं होते, वो भी सुबह 7:30 बजे। सो स्वीट। बाय द वे मुझे मेरा आज का आउटफिट काफी अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल भी है। अभी अंकल जी से पूछते हैं कि मैं उनको कितने साल की लगती हूँ। अच्छा नहीं मच्छर सुनना है। अगर आपको पता है कि ये कौन सा वाला BTS मेंबर है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। गाइस ये रहा स्टेशन, लेट्स गो अपस्टेयर्स। 8:30 बजे मेरी ट्रेन है। मुझे अभी कॉफी की सख्त जरूरत है। मैं वनीला लाते ले रही हूँ, ठंडा ले लेते हैं, गर्मी है ना आज। सैंडविच भी ले लेते हैं। अभी हम जो ट्रेन की पटरी है ना, पटरी बोलते हैं ना, ओ माय गॉड क्या शूटिंग है मेरी, तो अभी हम पटरी पर चलते हैं। मजा आ गया। गाइस मेरी ट्रेन आ गई है। सो गाइस अभी मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और बैड मैनर होता है बातें करना, तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ। गाइस अभी हम फाइनली सोल आ चुके हैं। मुझे जोर से सुसु आ रही है, तो सबसे पहले बाथरूम चलते हैं। यहाँ पर तो लाइन लगी हुई है बाथरूम जाने के लिए। यहाँ पर ये लड़कियाँ सज धज रही है। हमारे आज का नंबर वन स्टॉप है हाई बिनसाई, तो सबसे पहले वहाँ पर चलते हैं। मेट्रो लेने के लिए यहाँ पर भी एक लंबी सी लाइन है और यूजुअली पंगजू में इतनी भीड़ कभी भी नहीं होती। वहाँ पर है हाइप बिल्डिंग और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ BTS के ऑनर में कुछ कैफेज भी डेकोरेट हो गए हैं। 7 इज द मैजिक नंबर, बात तो सही है। इनकी ड्रेस कितनी क्यूट लग रही है पर्पल कलर में। वो रही हाइप बिल्डिंग और ये है बस स्टॉप और यहाँ पर जिमिन के पोस्टर लगे हुए हैं। इस साइड पे देखते हैं कौन है। अरे इस साइड पर भी जिमिन है, सो क्यूट। यहाँ पर रही फिरंगी आर्मी। अरे मेरे पास भी तो आर्मी बॉम्ब है। ता-दा! ओ माई गॉड गाइस देखिए ये वाला है बैक साइड हाइप बिल्डिंग का। यहाँ पर रहा वी और यहाँ पर रहा हमारा पंगजू का लौंडा जेहो। इस कैफे में टोपोकी मिलता है तो इस कैफे में हम कुछ पेट पूजा करते हैं। When something is delicious, it's 0 calories. बात तो सही है। यहाँ पर रहा थोर लेकिन इसका थोबड़ा है शुगा का। तब ये टाइमर खत्म हो जाए ना तो इसको पूरा मिक्स करना है। गरम गरम अंडा, गुड गुड गुड, पर्पल फंटा, ये सच में पर्पल है अंदर से।
क्योंकि मैंने इतना महंगा खाना ऑर्डर करा है तो मुझे ये सब मिला है। मैं आपको ये सारा सामान आराम से दिखाऊंगी जब मैं होटल जाऊंगी। Maybe, yes, please. Thank you so much. Have a good day. Bye. Bye. अभी ना गाइस मैं बहुत बहुत थक चुकी हूँ, तो अभी हम जल्दी से होटल चलते हैं और वहाँ पर थोड़ा आराम करते हैं। हेलो होटल। हेलो गाइस, ये वाला होटल मुझे बहुत ही शेडी लग रहा है। ये कैसी पेंटिंग है? 301 गाइस, ये वाली चप्पल हम चुरा नहीं सकते। और ये रहा रूम, काफी सिंपल है। इतने सारे तकिए देने की क्या जरूरत थी, काफी नॉर्मल बेसिक बाथरूम है। So guys, अभी मैं हंगंग रिवर जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर एक बहुत 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 बड़ा BTS का 10 एनिवर्सरी इवेंट है, तो वहाँ पर बहुत सारी पूरी दुनिया की आर्मीज भी होगी। So I'm so excited. So यहाँ पर एक पार्टी भी होने वाली है। यहाँ के बाद में मैं जाने वाली हूँ नमसंग टावर, क्योंकि वहाँ पर रात को जो टावर है ना वो पूरा पर्पल कलर का हो जाएगा, तो वो मुझे देखना है। गाइज यहाँ पर इतने सारे लोग हैं तो सिक्योरिटी भी रख रखी है और वहाँ पर एम्बुलेंस भी है, तो बाई चांस किसी को लग जाए तो पूरी सेफ्टी मेजरमेंट कर रखी है यहाँ पे। यहाँ पर रहे कुछ आर्मी लॉन्डे। ये जो सारे डब्बे आप देख रहे हो ना, ये सारे बैथरूम्स है। गाइज मुझे क्यूट सी सब्सक्राइबर मिली थी एंड आई एम सो ग्लैड कि उस टाइम मेरा वीडियो कैमरा ऑन था, ताकि कि मैं वो प्रेशियस मोमेंट रिकॉर्ड कर पाऊँ। गाइज यहाँ पर ऐसे फ़ोटो खिंचाने के लिए वहाँ पर वो लाइन लगानी पड़ती है। हम तो ऐसे दूर से ही फ़ोटो खिंचा लेंगे, इसको बोलते हैं देसी जुगाड़। यहाँ पर लोग पिकनिक बना रहे हैं। ये वाला भी देखने के लिए ये इतनी लंबी लाइन रही। यहाँ पर रहे BTS के अलग अलग आउटफिट्स। यहाँ पर आपको सारे BTS के जो अवार्ड्स है ना वो मिलेंगे। बिलबोर्ड अवार्ड गाइस, इसे बोलते हैं इंडियन जुगाड़। मैं बिना लाइन करे हुए मैं सब कुछ शूट कर लिया। आई मीन आई एम सो स्मार्ट गाइस। एक्चुअली जो मेरा आईफोन का कैमरा है ना वो बहुत ही पावरफुल है, तो मैं दूर से भी जूम कर करके अच्छी तरीके से आपको दिखा सकती हूँ, तो मुझे लाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई एम सो हैप्पी गाइस। ये है सिल्क वर्म। यार ये कौन खाता है इसको? अरे यहाँ पे तो फ्री में पानी भी मिल रहा है। Last one. Can I? Take a picture. Thank you. Guys, मेरा लक कितना अच्छा है, मुझे फ्री फंडे की पानी की बोतल भी मिल गई। और by the way guys, में जो भी कुछ है मैं आपको होटल में जाके आराम से दिखाती हूँ। अभी हम जो नमसंग टावर है ना वहाँ पर चलते हैं। ओ मेरा ये गिर गया, उसको वापस यहाँ पर रखते हैं। इंडिया में लोग बनियान पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे बनियान नाम का एक होटल है। हाय गाइस, अभी मैं नमसंग टावर की एरिया में आ चुकी हूँ। ये रहा यहाँ का नाइट व्यू, इट्स सो प्रीटी। और वो रहा नमसंग टावर। अरे ये वाली स्कर्ट तो मैंने CVS चैलेंज में पहनी थी, ऊपर भी पर्पल और नीचे भी पर्पल कलर का है। गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं मेरे होटल में जाऊंगी। और बाय द वे देखिए लाइटें कितनी सुंदर है यहाँ पे। और कल मैं जाने वाली हूँ एक BTS मेंबर के नेबरहुड में, और वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत व्लॉग करूँगी। और आप प्लीज़ कमेंट में गेस करना कि मैं किस मेंबर के नेबरहुड में जाने वाली हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको आज का भी अजीब गरीब व्लॉग पसंद आया होगा। एंड आई विल सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। बाय द वे गाइज, व्लॉगिंग के चक्कर में मैंने प्रॉपरली डिनर भी नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लग रही है। सो क्योंकि आज मैंने इतनी मेहनत करी है, पूरा दिन मैं बाहर रही, यहाँ वहाँ जाकर आई, जो भी हो सका मुझे जो BTS रिलेटेड था वो मैंने व्लॉग किया। सो अगर आप मेरी मेहनत अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखना, वो स्पैम वाले मत लिखना प्लीज़ ना। गाइज यहाँ पर ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, गेस करो किस चीज़ की लाइन है। ये लाइन है वो बस लेने की। मुझे भी वैसे मस्त फोटो खींचनी है, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है क्योंकि सब लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं और मैं कैसे बीच में जाके फोटो खिंचाऊँ। सो मैं तो ऐसे ही भाग कर आ गई। बाय द वे गाइस, मैं मजाक नहीं करी, जो पीछे आपको ब्लैक कार दिख रही है ना, तो बेसिकली एक बॉडीगार्ड टाइप के इंसान ने उसको गेट खोला और उसने पता नहीं कुछ दिया होगा जो अंदर बैठा था, और अंदर वाला इंसान ने बोला खमसा मेरा, लेकिन उसकी आवाज़ सेम टू सेम, मैं मजाक नहीं करी, सेम टू सेम जोंगकुक की जैसे थी।